दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। इस वीडियो में जो न्यूज हम कवर करेंगे वो बेसिक माध्यमिक विद्यालयों से हैं, साथ ही साथ बीएड के लाखों छात्रों के सीटेट अंक पत्र होंगे रद्द। चंडीगढ़ से अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया था जेबीटी टीचर्स का, उसके बारे में सूचनाएँ, और हरियाणा से पीजीटी के एग्जाम डेट के बारे में जानकारी है। तो कंप्लीट न्यूज यहाँ पर हम कवर करेंगे, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की हम लोग माध्यमिक विद्यालयों से शिक्षक भर्तियों को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में विधानसभा के मानसून सत्र में माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी ने बताया है कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी के लगभग 20,000, पीजीटी के लगभग 4,500 और प्रिंसिपल के लगभग 2,500 पद खाली हैं। अगर हम लोग टीजीटी पीजीटी के पद जोड़ते हैं तो लगभग 24,849 पद आसपास आते हैं। इन पदों को अब टीजीटी पीजीटी के 2022 विज्ञापन में जोड़ने की मांग शुरू हो गई है, और ऐसे ही मांग के लिए आज अभ्यर्थी हैं जो कि महानिदेशक महोदय से मिले। आप लोग जानते हैं कि डीजी महानिदेशक विजय किरण आनंद जी हैं, उनसे छात्रों ने अपनी मांग रखी, ज्ञापन दिया और वार्ता करी। यहाँ पर आप लोग ये ज्ञापन देख सकते हैं, ठीक है, इसमें मांग की गई है कि विज्ञापन वर्ष 2022 टीजीटी पीजीटी में सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन के पोर्टल खोले जाने के संबंध में। देखिए डीजे महोदय के नाम ये पत्र, और यहाँ पर देखिए उल्लेख किया गया है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 4,384 पद रिक्त हैं प्रवक्ता के, टीजीटी के 20,465 पद रिक्त हैं, इस तरीके से 24,849 पद रिक्त हैं। तरांकित प्रश्नों के उत्तर में माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने लिखित रूप से ये बयान दिया है। और आप लोग जानते हैं कि 2022 का जो विज्ञापन आया 4,163 पदों के पर आया हुआ है। इतने ज़्यादा पद रिक्त होने के बावजूद भी बहुत कम विज्ञापन आया है, तो मांग है कि इन पदों को टीजीटी पीजीटी 2022 विज्ञापन में जोड़ दिया जाए ताकि अधिकतम छात्रों की बेरोजगारी दूर हो सके। इसके साथ ये भी यहाँ पर पॉइंट रखा गया है कि टीजीटी पीजीटी 2022 की जो परीक्षा है वो अंतर जनपदीय करवाई जाए, मतलब एक जिले के छात्रों का दूसरे जिले में परीक्षा केंद्र बनाया जाए। इसके अलावा यहाँ पर वेटिंग लिस्ट के बारे में भी मांग की गई है कि 2016-2021 के प्रतीक्षा सूची के जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो अगली वेटिंग लिस्ट है काउंसलिंग वो करवाई जाए, क्योंकि अभी भी काफ़ी पद रिक्त हैं। तो ये चार मांगों के संबंधित ज्ञापन था, और इस पर यहाँ पर देखिए आप लोग आज की डेट में यहाँ पर देखिए ये जो रिसीव की आपको यहाँ पर साइन और मुहर मिल जाएगी, इसके साथ यहाँ डेट दे सकते हैं, और ये शीतलाप्रद ओझा की तरफ से आज ज्ञापन दिया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बेसिक विद्यालयों की। बेसिक के अंतर्गत यहाँ पर बात हो रही है जूनियर एडेड के बारे में। तो जूनियर एडेड में आप लोग जानते हैं शीतला प्रसाद ओझा जी और इनके जो टीम है ये लगातार प्रयास कर रही है कि जूनियर एडेड में जो शिक्षक भर्ती का जो परिणाम है उसको रद्द किया जाए और इसका री एग्ज़ाम करवाया जाए, साथ में पदों की संख्या में भी वृद्धि की जाए। उसी के संबंध में यहाँ पर ज्ञापन देखिए आज ये दिया गया है। ये भी विजय किरण आनंद जी के नाम से है, डीजी महोदय के नाम से है, और यहाँ पर भी उन्हीं सब बातों का उल्लेख किया गया है कि 1895 पदों पर 2021 में विज्ञापन आया पहली बार। इसके बाद जब परीक्षा हुई तो इसमें जो संजय कुमार उपाध्याय जी रहे हैं जो परीक्षा नियंत्रक थे वो जेल भी गए, काफ़ी सारी यहाँ पर भर्ती में धांधली हुई है, मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, हाईकोर्ट के जज साहब भी इस मामले को लेकर के दंग रह गए हैं, ऐसी कई सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। साथ में जो इसकी ओएमआर सीट थी वो भी भ्रामक बनाई गई है, 88,000 लगभग अभ्यर्थी हैं जिनके ओएमआर सीट में भ्रामक की वजह से गलतियाँ पाई गई। मूल्यांकन जो हुआ वो पहला मूल्यांकन किया गया, रिजल्ट जारी किया गया, उसमें बहुत सारी खामियाँ थी, दोबारा रिजल्ट जारी किया गया, उसके बाद भी मामला अब तक सुलझ नहीं पाया, मामला अभी भी न्यायालय में लंबित है। तो इन सब मांगों को देखते हुए यहाँ पर इनका कहना है कि इसका जो परीक्षा थी उसको रद्द किया जाए, री एग्ज़ाम करवाया जाए, और लगभग 8,000 पद यहाँ पर खाली बताए जा रहे हैं तो उन पदों को जोड़ करके पुनः परीक्षा करवाई जाए। तो यहाँ पर भी आप लोग एक ज्ञापन दे सकते हैं और आज की डेट में रिसीविंग दे सकते हैं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं बीएड के लाखों छात्रों के बारे में। तो आप लोग जानते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी जो सुप्रीम कोर्ट आर्डर है आज जारी हुआ है। अब यहाँ पर जो बीएड अभ्यर्थी पीआरटी में फॉर्म भरे थे, ठीक है, उनके लिए एक बड़ी अपडेट है।
पिछला जो सीटेट हुआ था उसमें जो आप लोगों की मार्कशीट जारी की गई थी, आप लोगों ने देखा होगा अपनी मार्कशीट सर्टिफिकेट, तो वहाँ पर मार्कशीट में एक लाइन मेंशन की गई है सीबीएसई के द्वारा, सीटेट के द्वारा। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, जो पिछला सीटेट हुआ था वहाँ पर यह लाइन मेंशन की गई है, द सर्टिफिकेट शैल अबाइड बाय द आउटकम ऑफ द फाइनल डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रेंडर्ड इन एसएलपी, से एसएलपी के नंबर दिए गए। तो यहाँ पर कहा गया था कि जो बीएड में प्राइमरी मतलब पेपर वन के लिए आवेदन किया था, प्राइमरी शिक्षक के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आवेदन किया था, उनकी ये मार्कशीट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अधीन रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो आप लोग देख ही चुके हैं कि क्या आया है, बीएड को एलिजिबल नहीं माना गया है पीआरटी के लिए, पेपर वन के लिए। तो ऐसे में ये सारी मार्कशीट एक तरीके से अब उस आदेश के तहत रद्द कर दी जाएंगी, रद्द हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि जो ये मार्कशीट है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अधीन रहेगी, सुप्रीम कोर्ट का जैसा ऑर्डर होगा उसी के अनुसार ये मार्कशीट आपकी रहेगी। तो जो भी सीटेट वाले अभ्यर्थी हैं जो बीएड में आवेदन किए थे, पीआरटी के लिए आवेदन किए थे, पेपर वन के लिए आवेदन किए थे, उनके लिए बड़ी अपडेट है। साथ ही साथ आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी टेट जो हुआ था, यूपी टेट में भी एक याचिका लगी थी, ठीक है, तो उनकी भी मार्कशीट प्राइमरी लेवल की बीएड अभ्यर्थियों की नहीं जारी की गई थी, तो वो भी सब इसी के अंदर ही रहेंगी। और ऐसे भी जो मतलब बीएड वाले अभ्यर्थी हैं जो उन्होंने पेपर वन के लिए आवेदन किया था, वो भी अब एक तरीके से बेकार हो जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग चंडीगढ़ जेबीटी टीचर को लेकर के। आप लोग जानते हैं चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से अभी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें आवेदन की डेट कई बार बढ़ी कई बार घटी। तो यहाँ पर देखिए अब एक नई नोटिस जारी करके इसमें जो है आवेदन की तिथियों में बदलाव कर दिया गया और इसके आवेदन भी शुरू कर दिए गए हैं। तो देखिए नए नोटिस के तहत 10 अगस्त 2023 से आवेदन इसके प्रारंभ हो चुके हैं। अभी मैंने वेबसाइट चेक किया, आवेदन प्रारंभ है इस समय 31 अगस्त 2023 शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। फीस भी आप 4 सितंबर 2 बजे तक जमा कर सकते हैं और फी कन्फर्मेशन जो लिस्ट है वो 14 सितंबर 2023 तक आप लोग इसको जो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो फिलहाल इसके लिए आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं, governmentjobcenter.com पर जाकर के आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप आवेदन कर दीजिए। और 31 अगस्त लास्ट डेट है, बाकी इसका डिटेल्ड वीडियो अगर आप कहेंगे तो हम बना देंगे। इसका शॉर्ट वीडियो हमने आपको पहले बनाया था, क्योंकि पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, अब इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी आ चुका है। बात कर लेते हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से पीजीटी भर्तियों के बारे में। तो आप लोग जानते हैं हरियाणा से भर्तियाँ आई हुई थी पीजीटी की, तो इसमें कुछ सब्जेक्ट की एग्जाम डेट पहले जारी कर दी गई थी, कुछ की नहीं जारी हो पाई थी। तो यहाँ पर आज देखिए यहाँ पर जो बाकी बचे हुए विषय हैं उनकी जारी कर दी गई है। तो पॉलिटिकल साइंस का देखिए 17-9 को है, फाइन आर्ट फिजिकल एजुकेशन का भी 17-9 को है, मॉर्निंग इवनिंग का फ़र्क रहेगा, टाइमिंग आपके सामने मेंशन है। जियोग्राफी, होम साइंस, म्यूजिक और साइकोलॉजी इसका 20-9 को रहेगा मॉर्निंग में, सोशोलॉजी का रहेगा और उर्दू का रहेगा 20-9 को इवनिंग में, कंप्यूटर साइंस का रहेगा 24-9 को मॉर्निंग में। तो ये एडमिट मतलब जो एक आपके सामने एग्जाम्स डेट हो गए, और इसके बारे में जो एडमिट कार्ड है बता रहे हैं कि 11 सितंबर 2023 से लाइव हो जाएंगे, 11 सितंबर को आपके इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो आप लोग governmentjobcenter.com से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो में इतना ही।